अगर अच्छा हुआ फिर गिफ्ट मिलेगा, और अगर अच्छा ना हुआ तो फिर ये नीचे छितर है 9 नंबर का, इससे सर्विस होगी। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो गाइस, अभी जो है हम लोग रिजल्ट लेने जा रहे हैं अपने थर्ड टर्म का, और दुआ करें कि अभी हमारा जो है रिजल्ट अच्छा आए। तो हमारे एनुअल रिजल्ट का अभी हम रिजल्ट लेने जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं। और खुर्रम भाई आज सीरियस है बिल्कुल, आज खुर्रम भाई फनी नहीं है। आज अच्छा ना आया तो फिर खुर्रम भाई घर ले आके कुटेंगे। नहीं, मुझे लग रहा है अच्छा आएगा। मुझे भी यकीन है कि अच्छा आएगा इंशाल्लाह। इनके रिजल्ट से ज्यादा इनसे इन्हें जितना डर नहीं लग रहा उतना मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है भाई उसका बेफिक्र है, छोटे छोटे हार्ट अटैक होते हैं। ऐसे ऐसे। हाँ। इस दफा इसको मैंने भी पढ़ाया, शुक्रिया जी। मैं बेटा रिजल्ट के बाद ही बोलूंगा। अगर अच्छा हुआ फिर गिफ्ट मिलेगा, और अगर अच्छा ना हुआ तो फिर ये नीचे छितर है 9 नंबर का, इससे सर्विस होगी। पास होना चाहिए बेटा, पास लाजमी होना चाहिए। तो वो तो मैं हो जाऊंगा, इतना मैं बस ये काम चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। साफी नीलम दे दे बेणा नैणा नु की हो गया। तो ये जो हमारा स्कूल है, हम इसमें तकरीबन 10 साल से पढ़ रहे हैं। मैं 2 क्लास में स्कूल में आई थी, और हैदर और शामिल फरिया जो हैं ये प्ले ग्रुप से और फरिया प्रेप से, तो तब से हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं। और अब तो ये स्कूल जिस तरह बिल्कुल घर जैसा है हमारे। और जब मैं स्कूल से जा रही थी कॉलेज, तो ना मैं बहुत परेशान थी, मैं चाहती थी कि मैं अपने स्कूल में ही रहूँ और इसमें कॉलेज भी आ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ था और मुझे कॉलेज चेंज करना पड़ा। वरना ये मुझे स्कूल, हम अभी भी स्कूल को याद करते हैं कॉलेज में हो के भी। लोग कहते हैं कि कॉलेज लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है, मगर नहीं, स्कूल लाइफ बेस्ट होती है। और मुझे अपना स्कूल बहुत याद आता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हमारा स्कूल है नंबर वन। और दूसरा, इसमें जो हमारे टीचर्स वो बहुत लविंग केयरिंग, और जो हमें फैसिलिटीज़ ये स्कूल प्रोवाइड करता था वो कहीं और भी नहीं होती। तो ये बेस्ट स्कूल था मेरा। हमें भी ये स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग लड़के ऐसे नहीं पढ़ते ना। यहाँ पर कुछ करो, मगर कुछ जो टीचर्स हैं ना, वो हाथ ट्रैक ले आ देती हैं, थोड़ा सा लाना पड़ता है, वरना तुम जैसे बच्चे कुछ और ही करें। बहुत टीचर्स हमारी बहुत अच्छी हैं, जरा मैं एक चक्कर लगवा के आती है ना सर। हाँ, ये जाते हैं ना। तो गाइस, हम आपको अपना स्कूल भी दिखाएंगे यार, और हमारा स्कूल भी बहुत ज्यादा अच्छा है। आप कमेंट्स में बताना कि आपको हमारा स्कूल कैसा लगा, और हैदर अब रिजल्ट के लिए दुआ करो। मास्क उतारो, स्कूल करीब है। देखी थी कि एग्जाम कैसे अच्छे देने हैं, वो तो मैंने दे दिए। मैंने ये नहीं सोचता कि रिजल्ट अच्छा कैसे दे। एग्जाम अच्छा होगा तो रिजल्ट अच्छा होगा ना। हाँ, थैंक यू। पापा जी, ये मुझे मिलनी चाहिए। दिखाओ फिर क्या। पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। फरिया दिखा, मैं जरा लगाऊं, मैंने नहीं लगाया। ओ भाई, ओ लेडीज है, लेडीज है। गाड़ी में पड़ा था 3-4 दिन से, मुझे याद ही नहीं। चलो जी आगे स्कूल, चलो चलो। शामिर को मास्क लेने भेजा, पापा अपना मास्क नहीं लाए। क्यों नहीं लाया? ए बेटा खैर मना, मैं तुझे बता दूं, मैंने पूरा 1 साल सबर किया है इस दिन के लिए। जाओ देख लो अपना, जाओ देखो अपना रिजल्ट। वापस क्यों आ गए? ये भी चले।
नहीं भाई हम नहीं जा रहे। अच्छा तो मैं बताती हूँ, इस जगह पे सारे स्कूल की लड़कियाँ जो है वो राउंड लेती है। मैं बताती हूँ, मैं इस स्कूल की शुरू की स्टोरी बताती हूँ, क्योंकि मैं इसमें जब बना था तब से, ठीक है, मैं बताती हूँ। पहले ये वाली बिल्डिंग होती थी सिर्फ जो जहाँ मेरी क्लास थी, और फिर इसके बाद पीछे वाली बिल्डिंग वहाँ पर कैंटीन होती थी, वहाँ पर हम लंच करते थे। ये दोनों ग्राउंड्स तब भी थे, बस अब वहाँ पर बिल्डिंग बन गई है। ये जो है जूनियर सेक्शन है और वो जो है सीनियर सेक्शन है। वहाँ पर उधर हम होते हैं। यहाँ पर मैंने 2 और 3 क्लास की है। इधर 2 तक है। 2 और 3 जब मैं थी ना तब 3 भी थी। 2 और 3 मैंने यहाँ पर ये, और 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 मिले वहाँ तक। अगर इधर से कोई बच्चा भागे ना तो सुबह लड़कियों से पहले टकरे खा के भागे। हाँ, क्योंकि ये जगह होती है लड़कियों, साजी हम भागते ही इधर से। इधर सीढ़ियाँ भरी हुई होती हैं, मैं दिखाऊँ ना लड़कियाँ की। हम लोग स्टेयर्स पे बैठ के और ये स्कूल है, उन्होंने हमारे कबूतर भी रखे हैं उसके अंदर। एक बार हम उसके अंदर पकड़ने नहीं देते, एक बार उसके अंदर हम घुस गए ब्रेक टाइम अंदर कबूतर देख। इसको कोई प्रॉब्लम है, जब भी कोई कबूतर देखते ना जाके उन्हें उड़ाता है। हम लाहौर गए थे तब भी इसने यही किया। गेम्स में ना कबूतर बाहर निकल। अब अपनी कैफियत बताएं इनको, क्या पता हमारी इधर काम पे टांग रही है। हमारी काम पे टांग रही हैदर के तो काम पे क्या? गाइस आप देख सकते हैं हमारी काम पे टांग रही है। हैदर की काम पे देखो टांग रही है। हैदर क्या हो रहा है? हमारे काम पे टांग रही है और दर्द में सर हो रहा है। और इधर से मैं अगर पास होके निकला ना, मैंने इधर से भागने घर जाके मैं तुम्हें मिलूं। हेलो, पास हम हो ही जाएंगे पर खुश होने पे इतना खुश होते है। अगर मैं पास हो गया ना, मैं कसम खा रहा हूँ मैं पूरे स्कूल का चक्कर लेके आऊंगा। जी आओ जरा बात। नहीं 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 पापा यहाँ देखो, मुझे तो ना धड़काओ ना, मैंने इन्हें पढ़ाया है। अब मैं क्या करूँ? सीरियस हो? हाँ तो और क्या, उन्होंने कहा रिपीट होगी क्लास। अच्छा चलो पापा पे कैमरा रखो, मैं पापा पे भी कैमरा। अच्छा मेरा दिल नहीं मान रहा वैसे, पापा मुझ पर गुस्सा करेंगे, मैं मेरा दिल नहीं मान रहा। नहीं नहीं इतना मैंने अच्छा पढ़ाया था, ऐसा नहीं देखो हंस पड़े, बस हंस पड़े। बस हंस गए हैं, बस हंस गए हैं। पापा बता दो अब पास हो गए हैं यार। यहाँ देखा बस मुझे बता था कि पापा को कितनी अच्छी एक्टिंग आती है। इधर पापा को दूंगा इनाम में, ये बेचारा स्कूल वालों का। वो मैडम से मिली नहीं, अभी जाते हैं। समीर रोने लग गया, शमीर को डराया गया था और शमीर रो रहा है। शमीर तुम इतने बड़े होके रो रहे हो यार, ऐसा कैसे कर रहे हो भाई? आओ इधर बैठ के रो यार, तौबा रो क्यों रहा भाई? तौबा भाई, मुझे इतनी खुशी हुई है ना कसम से। शमीर साहब पास हो गए और इतना खुश हुए रो रहे। मैडम बड़ी खुश है, उन्होंने कहा कि शमीर को मेरी तरफ से आपने कांग्रेचुलेशंस कहना है। और मेरी मैम क्या कहती थी? वो कह रही थी कि हैदर ने बहुत इंप्रूव किया और ये सब इनकी पापा की मेहनत और सब इनकी बहन की मेहनत है माशाल्लाह से। बहन के पीछे पापा की मेहनत। अच्छा बहन के पीछे, हां सर जाओ कांग्रेचुलेशंस, मामा से भी मिलो और वो सामने जाओ, मैं आपकी तस्वीर खींचूंगा वहां कांग्रेचुलेशंस के सामने, पिक्चर खींचेंगे। सभी रो क्यों पड़े थे वैसे? अपनी बताओ जरा बात।
खुद मेहनत की थी, कसम से भरोसा नहीं था मुझे मेरे ऊपर। और तुम लोग कह रहे थे इसकी तैयारी देखो। हाँ, मैंने कहा था मैं अगर पास हुआ मैं पूरा स्कूल घूम के आऊंगा भाग के। भाग के? हाँ। आपने हमें स्कूल में क्या देख के और क्या सोच के एडमिशन हमारा यहाँ कराया था? तब तो हम छोटे थे। वो बेटा जब अब छोटे थे ना तो ये हमारा घर बिल्कुल ऐसे करीब था ना, तो फिर स्कूल आने जाने भी करीब था, इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको दाखिल कराया। फिर हमें ये पता नहीं था कि ये स्कूल इतना अच्छा कि एक अब इसका देखें एक वो मैार है इनके, इसके टीचर इसका खास तौर पे जो प्रिंसिपल है ना जो ब्रिगेडियर साहब हैं वो बहुत काबिल हैं। उन्होंने फिर जब स्कूल को आगे रन किया ना फिर इसकी बड़ी ज़बरदस्त बेस बनी है। और ये है कि स्कूल में जब ये दीवारें चढ़ रही थी ना तो मैंने भी दो ईंटे लगाई थी, मेरा इसमें किरदार है स्कूल में। अच्छा। चलो आज आप रिजल्ट घर जाके देखें। उस्ताद जी बहुत रुला था आज। चलो रुला खत्म खत्म, जाके पार्टी होगी। ओए आज एक और भी तो पार्टी है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी दुआ से अल्लाह हाफिज। ये वाले अंकल ना टेम्परेचर चेक करते हैं जब हम आते हैं ना, ये शुरू से है जब मैं छोटी सी थी तब से यहाँ पर। ऐसा करो कम तैयारी करके पेपर दे दो फिर दुआएं मांगना शुरू करो। अल्लाह ताला उस मेहनत का फल देते हैं जो आप करते हैं। मामा आप फैमिली में फोन करके बताई जा रही है। ओ बेटा, मेरे साथ में 80 आए हैं। आपको नहीं पता अभी तो आप जब बड़े हो गए ना फिर आपको पता चलेगा कि क्या होता है, क्या खुशी होती है। एक पूरा एक साल होता है, एक साल आप लोग पढ़ते हो, आपको पता है कितने किस तरह माँ बाप अखराजात पूरे करते हैं, किस तरह आपकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। और ये रिजल्ट वाले दिन अगर आप मायूस कर दो तो कितनी बड़ी परेशानी की बात है माँ बाप के लिए। शुक्र है बेटा मेरा जूता नहीं उतरा आज। वो मेरा बी आया, मैं गुड हूं। देखो हमेशा ना मेरा ए आता था हमेशा। वो जो स्कूल की मैडम मिशा थी ना वो आपकी तारीफ कर रही थी, मैंने उनको बताया कि वो जो आपका जो कॉलेज है वो कहते हैं कि हमारी टॉप 5 जो बच्चियां ना नंबर लेने वाली उनमें से जोहा एक है। तो वो बड़ी खुश हुई, कहती है हमने पढ़ाया जोहा को। से बात कर रही थी जी, उन्होंने पढ़ाया। और मैंने ये बोला था कि ना अफरीन है पापा पर जो ना इतना फ्रेंडली है हमारे साथ। सच में मतलब होता है ना पेरेंट्स ज्यादा उम्मीद रखते हैं यार टॉप करे ये करे वो करे, पापा सिर्फ इसलिए खुश है ना अपने बच्चों का पता है ना उन्हें। मैं गुस्से में दा ठहर गई हूं के पास चलो। ताजी दूध एक्स्ट्रा दो। 0/0 अंकल को कहते दूध एक्स्ट्रा दो में पास हो गया। इन्हें पता चल गया पागल। आपने कोई अच्छा एक्सप्रेशन नहीं दिया। हाँ जी शहर मारता की मुड़ी होगी। कूपन ने पैसे दिए हैं। नाइस अभी तेरी पैसा मैं कह या अल्लाह इतना खर्चा मेरा खराब क्या करता है। ऐसे तुमने मुझे गुलाब जामुन नहीं खिलाए। आओ देखो बाबा आपने नहीं खिलाए जबकि मेरी बहुत मेहनत थी, मुझे कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं इसकी कोई मेहनत। आज पार्टी होगी। जस्ट बाबा मेरे साथ स्कैम ही करते रहते हो। होगी क्या क्या खाना बताओ। मैंने नहीं कुछ खाना जो तू कहेगी जो वही मंगा के दूंगा।
मैं लेके आऊंगा। नहीं आप गुलाब जामुन खाने। नहीं नहीं।